महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग नवम, संस्कृत के इस नवीन पाठ्यक्रम में नवम वर्ग के छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय को शुरू करते हैं और इस नवीन शुरुआत में हमें जानकी वल्लभ शास्त्री, जो हिंदी भाषा के भी प्रख्यात कवि हुए, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितना अधिकार जानकी वल्लभ शास्त्री जी को हिंदी में प्राप्त है, जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में प्राप्त है, शास्त्री जी को उतनी ही ख्याति संस्कृत में भी प्राप्त है। और इसी कारण उन्हें आधुनिक संस्कृत साहित्य का महान कवि कहा जाता है। जानकी वल्लभ शास्त्री जी की एक रचना है जिसका नाम है काकली, और यह रचना उस समय की गई थी जब हमारा देश परतंत्र था, सूरज उगता अवश्य था, लेकिन उगते हुए सूरज की किरणों के द्वारा भी भारतीयों का जागरण उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा था। परतंत्रता की बेरियों ने हमारे देश को जकड़ रखा था और ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य तो खैर अस्त होता ही नहीं था। इस परिवेश में हमारे देश के विभिन्न कवियों ने, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इत्यादि हुए, माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे देशवासियों को जगाने का प्रयास किया, उसी कड़ी में पंडित श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी भी थे, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से देशवासियों को जागृत करने का प्रयास किया। प्रस्तुत रचना में पंडित श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने सरस्वती से वंदना की। उन्होंने कहा है कि हे सरस्वती, हे वाणी, अब तुम्हारी बीना पुरानी हो गई है और तुम्हारी पुरानी बीना में अब वो झंकार नहीं है, इसलिए हे मां, अब तुम अपनी बीना को बदलो और अपनी नई बीना को बजाओ, जिसकी झंकार को सुनकर हमारे देश में जन जागरण हो। यहां तक कि पशु पक्षी जागृत हो जाएं, पेड़ पौधे भी जागृत हो जाएं, नदी निर्झर नाले भी जागृत हो जाएं। इस प्रकार देखने में लगता है कि यह रचना सरस्वती की वंदना है, देखने में लगता है कि यह रचना बसंत ऋतु का वर्णन है, कि बसंत ऋतु की शुरुआत में हमारी प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस रचना के द्वारा महान कवि पंडित श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने हमारे देशवासियों को जगाने का प्रयास किया, ताकि वे जगें और अपने देश के प्रति, अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति सजग हों और एक सजग प्रहरी की तरह अपने देश की रक्षा में जुट जाएं और स्वतंत्रता की बेरियों को काटकर देश की स्वतंत्रता में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। इसी कड़ी में
अब प्रथम श्लोक की शुरुआत की जा रही है, जिसमें कवि कहते हैं निनादय बजाओ नवीनाम नई अये बानी वीनाम। हे सरस्वती, हे वाणी, अब आप अपनी नई वीणा को बजाइए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कवि के अनुसार परम पूज्या मां सरस्वती की पुरानी वीणा अब उतनी कारगर नहीं है, तो अपनी नई वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम, मधुर स्वर, मृदु का अर्थ होता है कोमल, मधुर, गाय गाओ, गीतिम गीत गाओ। आखिर उस गीत की विशेषता क्या है? ललित नीति ली नाम, जो गीत सुंदर नीतियों से परिपूर्ण हो, सुंदर नीतियों से लीन हो। बच्चों, वह एक ऐसा समय था जब हमारे देश में रीतियां नीतियां खत्म हो रही थी, खत्म प्राय हो गई थी, और इनका स्थान भ्रष्टाचार ने ले लिया था। तो कवि सरस्वती से वंदना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवती, अपनी नई वीणा को बजाओ, निनाद नवी नाम अये बानी वीणाम। हे सरस्वती, अब आप अपनी नई वीणा को बजाइए और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, सुंदर नीतियों में लीन मधुर गीत गाइए। फिर आगे कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु आने पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। मधुर मंजरी, मीठे मंजरों से युक्त, अब उस मंजर की विशेषता क्या है? पिंजरी भूतमाला। आम का वह मंजर पीले रंग का है, ऐसे पीले रंग वाले मधुर मंजरी वाले आम के पेड़ों की पंक्तियां बसंते लसंती, लसंती का मतलब शोभित हो रही है। इह मतलब यहां सौ रसा, रस युक्त, रसालाह मतलब आम। अब इन सारे शब्दों को हम जोड़ देते हैं, जब इन सारे शब्दों को जोड़ देते हैं तो अर्थ निकलता है कि इस बसंत ऋतु में रस से भरे हुए आम के पेड़ों में पीले रंग की मंजरियां लग गई है, और ऐसे आम के पेड़ों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन के साथ आम के पेड़ों में पीले रंग की मंजरियां लग जाती है, और इन मंजरियों में धीरे धीरे छोटे छोटे आम निकलते हैं, और यही आम फिर बड़े हो जाते हैं, पककर पीले हो जाते हैं। तो मंजरी भी पीली है, और ऐसी मंजरी की से युक्त आम के पेड़ों की सुंदर पंक्तियां बसंत ऋतु में शोभायमान हो रही है। और आप जानते होंगे कि बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा कू कू की आवाज निकालने वाला पक्षी कौन सा है? तो आपको याद होगा कि वह पक्षी है कोयल। तो ललित कोकिला,
काकली नाम, काकली कहते हैं कोयल की आवाज को। कोयल की सुंदर आवाज। अब पूरी पंक्ति को जोड़ देते हैं तो अर्थ निकलता है कि कोयल के समूह की सुंदर मनमोहक कू कू की आवाज निकलती है। अब पूरे श्लोक को जोड़ देते हैं तो अर्थ निकलता है, कवि कहते हैं कि हे सरस्वती, हे वाणी, अब तुम अपनी नई वीणा को बजाओ जिससे आम के पेड़ों में सुंदर मधुर पीले रंग की मंजरियां लगे और आम के पेड़ों की झुरमुटों में छिपकर कोयल पंचम स्वर में काकली करे, अर्थात पंचम स्वर में कू कू की आवाज निकाले, मधुर गायन करे। बच्चों, इस प्रकार इस श्लोक में बसंत ऋतु में होने वाले एक परिवर्तन की ओर इंगित किया गया है और वह परिवर्तन है बसंत ऋतु में आम के पेड़ों में लगने वाली मंजरियां और उन पेड़ों के बीच, उन पेड़ों की पत्तियों के बीच छिपकर कोयल के समूहों के द्वारा पंचम स्वर में किया गया काकली गान अर्थात कुकु की आवाज। इस तरह सरस्वती से वंदना करके कवि यह कहते हैं कि अगर बसंत ऋतु में अगर आपकी वीणा से चराचर जगत में इतना परिवर्तन हो जाता है तो मानवों के अंदर भी परिवर्तन अवश्य होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, शायद आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।